वाई वाई के बाद अगर मैं किसी का नाम लूंगी जो जो वाई वाई से थोड़ा बेटर है लेकिन फिर भी नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इज यिप्पी. यिप्पी को मैं घटिया इसलिए भी बोल रही हूँ, सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सनफीस्ट की तरफ से है, बिग ब्रांड. और अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए बात करते हैं तो वही मैदा से बनाया गया है और इसमें जो तेल डाला गया है वो भी घटिया तरह का तेल, पाम ऑयल डाला गया है. ऑयल की मात्रा पूरे एक पैकेट में 24 ग्राम के बराबर है जो बहुत ही ज्यादा है, और सैचुरेटेड फैट 12 ग्राम से भी ज्यादा ऊपर. तो अगर आप एक पैकेट ले रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो जाएगा. प्लस इसमें ये है कि 23 रुपए में आपको 120 ग्राम मिल रहा है, तो ये साइज तो ज्यादा है, और जितना बड़ा साइज है उतना ही ज्यादा खतरनाक आपके लिए होगा क्योंकि उतने ही ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके अंदर जा रहे हैं. इस प्रोडक्ट में एजिनोमोटो तो नहीं मिलाया गया है लेकिन हाँ उसके भाई बहन जरूर मिलाया गया है, जिसे हम फ्लेवर इन्हांसर 627 और 631 कह सकते हैं. इनके भी अलग साइड इफेक्ट्स हैं और यिप्पी का भी मैंने डिटेल में बनाया हुआ है वीडियो, अगर आपको वो भी देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाला हुआ है. सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें ये लगी है कि इसमें सोडियम कंटेंट नहीं दिया गया है. यहाँ पे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें सोडियम कंटेंट नहीं बताया गया है, विच इज वेरी बिग थिंग. क्योंकि अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर किसी को कोई बीमारी है जो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे है, अगर उनको अगर कोई नूडल चूज करना होगा तो फिर वो यिप्पी को कैसे चूज कर सकते हैं, राइट? तो यिप्पी के लिए मेरी तरफ से नो नो है, तो अपने बच्चों को यिप्पी से भी दूर रखें तो अच्छा रहेगा.